आज का पहला प्रश्न है, साधन चतुष्टय में नहीं है नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्र फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति, आत्म संयम। तो इसका सही उत्तर है आत्म संयम। सदानंद प्रणीत जो वेदांत सार है उसमें साधन चतुष्टय की संख्या 4 बताई है, जिसमें नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 चीजें आती हैं, जिसमें समाधि षटक संपत्ति जो है उसमें सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये 6 संपत्तियां बताई गई है। मुमुक्षुत्व का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा। नेक्स्ट है, मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भासित होना कहलाता है आरंभवाद, असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद, विवर्तवाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विवर्तवाद। सदानंद ने वेदांत सार में जो विकार है उसका पहले लक्षण दिया है, सतत्व तो न्यथा प्रथा विकार है, जो किसी वस्तु का तत्वतः अर्थात दूसरे रूप में प्रकट होना विकार कहलाता है। जैसे दही का दूध का विकार है, क्योंकि दही का आकार स्वाद गुण सभी कुछ बदल जाता है। और विवर्तवाद का उन्होंने लक्षण दिया है अतत्व तो न्यथा प्रथा विवर्त, जब कोई वस्तु अपने स्वरूप का बिना त्याग किए दूसरे रूप में परिवर्तित होने लगती है तो उसे विवर्त कहा जाता है। जैसे रस्सी सर्प के रूप में प्रतीत होना, सर्प का रस्सी सर्प रस्सी का विवर्त है। तो इस तरह से विकार और विवर्त में अर्थ बताया। और मिथ्या रूप से अन्य वस्तु का रूप सिर्फ भासित होना विवर्तवाद कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, संध्या वंदन कैसा कर्म है, नैमित्तिक, नित्य, उपासना या प्रायश्चित। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नित्य। संध्या वंदन जो है नित्य कर्म है। 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं वेदांत सार में सदानंद जी द्वारा, जिसमें जो ज्योतिष्टोम यज्ञ है वो काम्य कर्म है, और जो निषिद्ध कर्म ब्राह्मण हत्यादि जो है वो निषिद्ध कर्म बताए गए हैं। संध्या वंदन की हमने बात की है जो नित्य कर्म है। जातेष्टि जो है वो नैमित्तिक कर्म है, और चांद्रायण व्रत इत्यादि जो है वो प्रायश्चित कर्म है, और सांडिल्य विद्या जो है उपासना कर्म है। इस प्रकार ये 6 प्रकार के कर्म बताए हैं। अगला प्रश्न है, उपाध्याय पद में प्रत्यय है घय, अण, अप, अच। तो इसका सही उत्तर है घय। इंगश्य सूत्र से ई धातु से घय प्रत्यय होता है, उप अधि ई, इसमें उपाध्याय बनेगा, उप अधि ई, इण गतौ धातु है यहां पर, ई अध्ययने, ई अध्ययने धातु है, उपाध्याय बनेगा। ई धातु से इंगश्य सूत्र से क्या बना, घय प्रत्यय होके उपाध्याय। नेक्स्ट है, जय पद में प्रत्यय है घय, अच, अप, नंग। तो इसका सही उत्तर है अच। एरच सूत्र से यहां पर अच प्रत्यय हुआ है। इकारांत जो धातुएं होती हैं एरच में, इकारांत धातु में अच प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे जी अच जय बना, ऐसे नी अच नय बनता है, भी अच भय बनता है। इस प्रकार अच प्रत्यय लगा यहां पर। अभी अगला प्रश्न आपके लिए है, गीता ज्ञान किस पर्व में मिलता है ये बताना है। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।